हेलो फ्रेंड, मैं रमेश चौहान, 19 अगस्त राजस्थान पत्रिका में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। विराम जाहिर है कि रोजगार के अवसरों को हर जगह खोलने की ज़रूरत है, लेकिन जब राज्य सरकारें खुद को क्षेत्र की सीमा में बांध सिर्फ अपने ही प्रदेश के बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की बात करने लगे तो फिर दोष किसे दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को ही सरकारी नौकरी देने की बात कहकर क्षेत्रवाद के मुद्दे को हवा दी है, जिसका खुद उनकी पार्टी विरोध करती रही है। भाजपा तो हमेशा एक देश एक संविधान की बात करती रही है। जब भी कोई सरकार ऐसे फैसले करती है तो संविधान की उस भावना की भी अवहेलना होती दिखती है, जिसमें हर नागरिक को समानता का हक दिया है। पैरा चेंज। संविधान हमें देश के किसी भी कोने में रहने और रोजगार पाने की आज़ादी देता है। उद्योग धंधे में रोजगार को लेकर स्थानियों को तय सीमा तक प्राथमिकता देने पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, पर दूसरे प्रदेशों के बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे स्थायी रूप से बंद करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। अपने ही प्रदेश के बच्चों को ही सरकारी नौकरी देने के प्रावधान को कोर्ट में चुनौती मिली तो यह कानून कितना टिक पाएगा, यह भी देखना है। यह बात सही है कि किसी प्रदेश में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है तो पलायन की समस्या का एक हद तक समाधान होता है, लेकिन यदि सभी राज्य अपने ही प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए कानून बनाने लगे तो फिर विसंगतियां तो पैदा होगी ही, राष्ट्रवाद पर भी चोट पहुंचेगी। इससे पहले दूसरे कई राज्य भी कमोबेश इसी तरह की व्यवस्था या तो कर चुके हैं या इसकी तैयारी में हैं। इस तरह के फैसलों पर अमल करने से पहले हमें उन ताज़ा चखमों को भी याद रखना चाहिए, जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के लोगों को चुन चुन कर खदेड़ा जा रहा था। सवाल यह भी है कि क्या सचमुच स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बाहरी बताए जाने वाले दूसरे प्रदेशों के लोग छीन रहे हैं। पैरा तय में जाए तो सामने यह बात आती है कि कमोबेश सभी प्रदेशों में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। राज्यों से पलायन आम हो गया है। क्षेत्रवाद की ऐसी भावना के आधार पर रोजगार मिलने लगे तो दो बड़े खतरे भी हैं। पहला, वांछित कौशल की उपलब्धता का संकट हो सकता है, और दूसरा, नौकरियों के क्षेत्र के आधार पर आरक्षण समाज में ऐसा जहर घोलने का काम करेगा जिसके नतीजों की कल्पना करना ही काफ़ी भयावह है। संपूर्ण विराम।